पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मशहूर उमारोव अभिनेता जिन्होंने रंगमंच पर काम किया और सिल्वर स्क्रीन पर छा गए, नाम राज बब्बर। देखो दोस्त, अगर तुम एहसान का नाम लोगे तो दोस्ती का जज्बा अर्श से फर्श पर पड़ेगा, समझे? ये देख, मैं अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब जहाँ राम वहाँ अब तुम। राज बब्बर साहब का जन्म 23 जून सन 1952 में हुआ। जगह रही टुंडला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। राज बब्बर साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई आगरा शहर में की। आगरा में ही इन्होंने मन बना लिया था कि आगे जाकर ये एक अभिनेता बनेंगे, और साथ ही समाज सेवा का काम भी इनके मन के बहुत ही नजदीक रहा। जैसा कि हर कलाकार के साथ होता है, कुछ वैसा ही इनके साथ भी हुआ। जी मैं समझा नहीं। स्कूल और कॉलेज के नाटकों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। इससे पहले कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचते, ये पहुंच गए पटियाला यूनिवर्सिटी, जहां पर पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का यह हिस्सा बने, और वहां पर इन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लेना शुरू किया। बड़ी अजीबोगरीब चीज है आप, और उससे भी ज्यादा अजीब आपका पेशा है। जहां पर इनकी मुलाकात हुई हरपाल तिमाणा जी से, जो कि खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। ये पंजाब कला मंच नाम का एक थिएटर ग्रुप चलाया करते थे। हरपाल तिमाणा जी ने इनसे कहा कि देखो राज, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, तो मैं तो यही नसीहत दूंगा कि तुम जाओ और NSD से एक्टिंग का कोर्स करो। जी, मुझसे कहा? सन 1972 में राज बब्बर साहब ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया, जहाँ पे इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। तुम मनु चंगे आदमी लगते हो। जी थैंक यू। महान थिएटर गुरु अब्राहम अलकाजी से इन्होंने ड्रामा का प्रशिक्षण लिया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह जी की फिल्में बहुत पसंद थीं। उसके बाद दिलीप साहब के अभिनय ने इन्हें बड़ा मुतासिर किया। यह बात भी गौर करने लायक है, जब राज बब्बर का NSD का कोर्स मुकम्मल हुआ तो इनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया, क्यों ना ये NSD की रिपोर्टरी कंपनी का हिस्सा बन जाएं। पर राज बब्बर साहब के अरमान कुछ और थे। ये उस जमाने में दूरदर्शन के लिए काम किया करते थे। ये काम इन्हें इला अरुण जी ने दिलवाया था। अंकल आराम कैसा? आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में है, आराम का वक्त कहाँ है? ये वो वक्त था कि किसी एक्टर को यदि 25 रुपए महीने मिल जाएं तो बड़ी बात हुआ करती थी। तो उन्हें 25 रुपए मिलते थे ड्रामा के और 5 रुपए रिहर्सल के। ये वो दौर भी था जब एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री नादिरा जहीर, जो कि माने हुए कलाकार सज्जाद जहीर की बेटी रही, उनके साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन अभी भी बात फिल्मों में बन नहीं रही थी। अंकल मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। एक वक्त था जब फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट हुआ करता था। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक नया लड़का और एक नई लड़की की तलाश करते थे। इसी कॉन्टेस्ट के जरिए धर्मेंद्र साहब और राजेश खन्ना साहब चुने गए थे। बदकिस्मती से जब राज बब्बर साहब का नंबर आया, तब सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा दी थी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पर, जिस वजह से वो कोई भी छोटे बजट की फिल्म ना बना सकते थे इन्हें लेकर। राज बब्बर साहब फिर भी रंगमंच से जुड़े रहे, नाटक करते रहे, और तब इनके बड़े अच्छे मित्र शंकर सोहेल ने इनकी मुलाकात करवाई मशहूर मारूफ फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा से। अपने जमाने के महान लेखक जोड़ी सनीम जावेद और रमेश सिप्पी साहब एक बड़ी जबरदस्त फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए राज बब्बर साहब का चयन किया गया। इनका नाटक देखा था सलीम जावेद ने, इन्हें बुलाया और इनका स्क्रीन टेस्ट किया गया। राज बब्बर साहब का स्क्रीन टेस्ट दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। दिलीप साहब बड़े खुश हुए। डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी इस बात से काफी खुश थे कि राज बब्बर उस किरदार को निभा पाएंगे, लेकिन बाद में वो किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया। फिल्म रही शक्ति। खत्म हो चुका ये रिश्ता। मैं वो हूं जिसे ना तो बाप का प्यार मिला, ना भाई बहन का। इससे पहले कि ना उम्मीद का अंधेरा राज बब्बर साहब के जहन पे छाता, इनकी मुलाकात जो प्रकाश मेहरा से हुई थी उसने उम्मीद की किरण इन्हें दिखाई। प्रकाश मेहरा साहब ने इन्हें फिल्म नमक हलाल के लिए साइन करने की बात कही। बदकिस्मती से वो फिल्म बाद में इनके हाथ से छूट गई और वो किरदार निभाया शशि कपूर साहब ने। सच जानने की मुझे आपसे जरूरत नहीं। पर प्रकाश मेहरा साहब ने इनसे एक वादा किया था कि एक बरस के लिए मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। चूंकि इन्हें फिल्म से निकाल दिया गया था, तो राज बब्बर साहब ने कहा कि मैं आपका घर नहीं छोड़ सकता, एक बरस के बाद ही मैं आपका घर छोड़ पाऊंगा। और वो एक साल राज बब्बर के लिए
कठिन भी साबित हुआ पर बहुत फलदायक भी। क्यों भाई बब्बर? हाँ भाई गब्बर। रेडी? रेडी। तो फिर चलो। चलो। उसके बाद ये एक छोटे से किरदार में नजर आए। फिल्म थी शारदा, जिसमें जितेंद्र थे, रामेश्वरी और सारिका। इन्हें सिर्फ एक डायलॉग बोलना था और इनका मेहनताना था 500 रुपया। अबे उल्लू, हम तेरी जिंदगी बना रहे हैं और तू नींद खराब करने को भी तैयार नहीं? अरे ऐसा क्या है जो रात के 2 बजे तेरे दिल में मेरे लिए दोस्ती और मोहब्बत उमड़ आई? फिर इनकी किस्मत बदली और इन्हें फिल्म मिली इंसाफ का तराजू। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मुझे 100% यकीन है सोनी और उसकी बीवी दोनों मिलकर स्मगलिंग करते। शराफत का तो ढोंग है यार, चोंचलेबाजी है समाज और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए। हालांकि जब इनकी माँ ने इनका किरदार देखा तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने इनसे कहा कि बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे, इस तरह के गंदे काम ना किया कर। तब समझ गए थे राज बब्बर कि उनका अभिनय दुनिया को बहुत पसंद आया है। वाह, बखुदा जितना मजबूत डिफेंस है उतना जोरदार अटैक भी है। इंसाफ का तराजू में ये बतौर विलेन नजर आए थे, लेकिन इनका नाम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच जबरदस्त अभिनेत्री स्मिता पाटिल इनकी जिंदगी में आई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई। राज बब्बर साहब पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे, पर अपनी पहली बीवी को छोड़ इन्होंने स्मिता पाटिल से विवाह किया और शादी से एक बच्चा हुआ प्रतीक। अफसोस की बात यह है कि स्मिता पाटिल अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ज्यादा दिन जीवित ना रह सकी। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी राज बब्बर के जीवन की और उस बच्चे के लिए भी जिसने अभी तक होश भी ना संभाला था। नादिरा जहीर से हुए इनके बच्चे जूही और आर्या आगे जाकर अभिनय के क्षेत्र में ही आए और स्मिता पाटिल से हुआ बेटा प्रतीक बब्बर भी फिल्मों का हिस्सा बना। तो इट्स अ परफेक्ट पैकेज फॉर ए ग्रेट कैरेक्टर। धीरे धीरे इनका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा था। इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव जीत कर आए। इन्होंने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, बब्बर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। टेलीविजन, सिनेमा और राजनीति तीनों में ही ये कमाल का काम कर रहे थे। ये कभी खलनायक बने नजर आते तो कभी बड़े सकारात्मक रोल निभाते। Don't get agitated. It's my duty. राज बब्बर उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं बिना किसी फिल्म इंडस्ट्री के परिवार से जुड़े हुए इस चमचमाती दुनिया में अपना ऐसा नाम बना पाए जिसका ख्वाब बहुत से अभिनेता देखते ही रह जाते हैं। एक, दो, अरे भाई शेरे बब्बर। हाँ भाई गब्बर। बढ़ता चल। चल। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।